सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले आज हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। आज 15 अगस्त गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, नहीं तो हम लोग विद्यालय में भी आप लोगों से आमने सामने और स्वतंत्रता के बारे में, गणतंत्र के बारे में चर्चा करते। फिलहाल जहाँ भी हो आप सेफ हो, अच्छे से हो, हमारी यही आशा है। और एक बार फिर आप सभी को 74वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम चलते हैं, डीएड के छात्र संचालन करा रहे हैं आपको, और वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा का संचालन हो रहा है। हमने आपको सिलेबस के अंतर्गत संधि के बारे में बतला रहे हैं, और पिछले वीडियो में स्वर संधि की बात हो रही है। पिछले वीडियो हमने दो संध पढ़ा दिए थे, स्वर संधि के 5 उपभेद होते थे, जिनमें से हमने आपको 2 पढ़ा दिए थे। कौन कौन से थे? एक था अकार सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरा था यण संधि। आज हम चर्चा करते हैं स्वर संधि का ही भेद एचो अयावह। एचो अयावह किस संधि का नाम है? तो एचो अयावह अयाद संधि का नाम है। किस संधि का नाम है? अयाद संधि। हिंदी में इसको कहते हैं अयाद संधि, संस्कृत में क्या कहते हैं? एचो अयावह। इचो अयावह क्यों इसका नाम पड़ा? एक सूत्र है ये देखिए, एच प्रत्याहार है। एच क्या है? प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई, ये एच प्रत्याहार है। इसी के स्थान पर क्या हो जाता है? पहले देखिए, समझ लीजिए, तो उसके बाद परिभाषा चलते हैं। देखिए आय आव आय आ, इसके स्थान क्या होता है? ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है, ए के स्थान पर आय हो जाता है, औ के स्थान पर आ। आयात नाम क्यों पड़ा इसका? तो देखिए आय प्लस आर। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे अकार सवर्ण दीर्घ संधि क्या नाम क्यों अकार सवर्ण दीर्घ पड़ा? क्योंकि अक के समान जो कोई भी वर्ण आएगा उसी का दीर्घ हो जाएगा। ठीक, तो आय प्लस आर। आय प्लस आर, देखिए आयात शब्द कैसे बनता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यह हलंत है, इसका मतलब इसमें से स्वर निकला हुआ है, स्वर नहीं है। आ इसके साथ रख दिया, अ था ही, आ इसके साथ चला गया, आत्मा को लिया। आय आदि को पड़ा जो यह ए आई ओ औ में आए आई ओ औ में परिवर्तन हो रहा है, उसी का नाम दिया आय आदि। मतलब यह आय आओ में परिवर्तन हो रहा है। इसे कोई चीज कहते हैं ना, ज्यादा संख्या में रहती है, विचार होता है, कहते हैं ये इत्यादि या आदि, ऐसे भी और कई है, तो ऐसे आय आदि। इसका नाम पड़ा आयात संघ क्यों पड़ा? क्योंकि यह आय आदि में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा आयात संघ। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, कैसे परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा अब समझ में आ जाएगा आपको। किसकी परिभाषा की बात हो रही है? तो यहां पर अयाद संधि, जहां पर देखिए क्या हो, ए ओ आई
कैसा स्वर आए? असमान स्वर, असमान स्वर नहीं आए, कोई असमान स्वर आए। कैसा स्वर हो? असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, क्या क्रम से? एक ही स्थान पर आए ओ के स्थान पर क्या होगा? देखिए, ओ के स्थान पर बचा क्या? एक ओ के स्थान पर क्या परिवर्तित होगा? ओ के स्थान पर आव आदेश। इतनी बात क्लियर होगी? कह रहे हैं कि जहां पर ए ओ आए आओ के बाद कैसा स्वर आए? असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, ओ के स्थान पर आओ, ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ आदेश होता है। बात समझ में आई? अब चलिए उदाहरण ले लेते हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज हम खासतौर इसी अयाज से निकली वीडियो बना ही रहे थे। आज के बाद आप अयाज संधि भूलेंगे ही नहीं, न तो संधि और न तो संधि विच्छेद, दोनों नहीं। जैसे नयनम है, एक शब्द नयनम, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। चलिए, ने प्लस अयम, आपने कई वीडियो देखे होंगे तो जो भी क्रियाकलाप होता है इस तरफ वाले से होता है, इस तरफ वाले से नहीं, चाहे यहां स्वर हो या व्यंजन, यही होता है। हाँ, नियम के अनुसार देखिए, जहां पर ए ओ ए औ के बाद कोई असमान स्वर आए, यहां देखिए क्या वास्तव में इस उदाहरण में ये चारों में से कोई आया है? इस प्रत्याहार है, ये क्या है आपका? इस प्रत्याहार, चारों में से कोई आया? देखिए हम स्वर अलग कर दे रहे हैं, न प्लस ए प्लस अन, तो क्या आ गया? ए आ गया। आगे कोई असमान स्वर आ रहा है, एक ही बात है, असमान स्वर है ही, समान तो समझे, अगर यहीं पर ए या आई आ जाता तो समान स्वर हो जाता, असमान स्वर जो यहां हो यहां ना हो, ठीक। अब देखिए एक इसमें पर जो था आई, न प्लस आई प्लस एक स्थान पर आया, इसके सूत्र थे एचो आयावा सूत्र से, एक स्थान पर आया प्लस अनंत। अब जोड़ दीजिए, यहां पर हलंत लगा, इसका मतलब इसको स्वर की आवश्यकता है और आगे स्वर है, तो ये जो इसका जो रूप होता है जैसे जैसे हो जाएगा। यहां पर हलंत लगा हुआ है, आगे स्वर की आवश्यकता है, यहां पर स्वर मिल गया, ये पूरा हो गया, क्या बन गया? नयनम। अगर
इसी का संधि करना हो, अभी नहीं, एक दो उदाहरण और हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हरे, नेक्स्ट आपको सिद्ध करना है हरे, हरे प्लस ए, ठीक। देखिए तोड़ दीजिए, हर प्लस ए प्लस ए, ठीक। वैसे आप सोचेंगे असमान स्वर, तो यहां सिर्फ ए है, इसलिए अगर कोई वस्तु तत्व तो नहीं है, तो हर प्लस ए प्लस ए, ठीक। देखिए यहां पर हर प्लस ए प्लस ए, अब यहां पर एचओ अयव सूत्र लगा दीजिए, एचओ अयव, तो हर ए के स्थान पर क्या जो होगा इसके स्थान पर होगा, इधर वाले नहीं होगा, ए के स्थान पर क्या होगा, आय प्लस ए। सिद्ध क्या करना है उसकी तरफ भी हमारा थोड़ा फोकस है, हरे हमें सिद्ध करना है, हर प्लस ए के स्थान पर हमको हरे ले आना है। तो चलिए ये इसके साथ चलिए, क्या बन गया हर, यह था ये इसके साथ है, इधर जो आएगा अपना निशान, जैसे ये है एक मात्र ऐसे होता है, तो यह हरे, ठीक। बात समझ में आई होगी कुछ, ये था आपका हरे। एक है नैन है नहीं कुछ, सिर्फ आपको उसी बेस पर लेकर चलना चाहते हैं, जैसे हमारा हो गया, इसको हम साफ करते हैं, परिभाषा बहुत जरूरी है, ठीक। पर आपको लगता थोड़ा सा इसी मुश्किल हो गया, पवन बना दीजिए पवन, और ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, और कभी कहता है नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध कीजिए। तो को प्लस अन पवन, सिद्ध क्या करता है इसको, अब पवन के स्थान पे को प्लस अन के स्थान पर ऐसा करना है कि वो पवन बन जाए, यही सिद्ध करना है। अब इसमें कौन सा सूत्र, अब इसमें सूत्र अलग कर दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ए ओ आई और में से चारों में से कोई एक आया है, इससे ये क्लियर हो जाता है इस तरफ से स्वर निकालने से। तो प स्वर निकाल दिया, हलंत लग गया, ओ है प प्लस ओ प्लस, क्लियर। अब ओ मिल गया, जब ओ मिल गया तो यहाँ एचओ अयव सूत्र का प्रयोग करना होगा, ओ के स्थान क्या गया, ओ के स्थान पर औ प्लस अव प्लस अन, कुछ समझ में आ रहा है आपको, अब आपको लग गया कि हमारा काम बन गया, क्यों ये इसके साथ चला गया तो क्या बन गया, यहां हलन था आधा था, ये इसके साथ अन्य किया हुआ न था पवन, बस भाई ये बहुत सरल है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। पवन था, मान चलिए अभी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, ये लेकिन ट्रिक का काम चले, जब आप इसको अच्छे समझ लेंगे तब, ट्रिक का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्व कर लेना। अब इसी आधार पर हम आपको एक देते हैं, एक मिनट का टाइम देंगे, सेम टू सेम वही है, सिर्फ शब्द बदला हुआ है, वो भी कुछ शब्द जो पवन था यही भवन कर दीजिए, इसको आप एक मिनट के अंदर में तुरंत
आप संघ विच्छेद करिए, नियम लगाइए, नियम निर्देश पूर्वक इसको सिद्ध करिए। हो गया कि नहीं हो गया? यार समय किस लिए इतना ले रहे हैं आप? सिंपल सा चीज था, ठीक, जैसे पवन था तो प्लस वन था, यहां दो प्लस वन कर दीजिए। जैसे पवन में आप तोड़े थे वैसे इसमें भी तोड़ दीजिए, तोड़ने प्लस और इसको अलग कर दीजिए। आगे असमान स्वर यानी एच आया हुआ लगेगा तो ओ के स्थान क्या ले आ देंगे? आओ भू प्लस आओ प्लस अन, ये इसके साथ चल गया भव, ये इसके साथ चला आया हुआ तो भव यही लिख दीजिए। इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? भू प्लस आवा भवन, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। चलिए यहाँ ये बराबर ही तो बहुत समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपको, चलिए गायक। अभी आपने वो देखा एक उदाहरण देखे आपने, नैना में आय था, हरे में ए था, उसके बाद आपको ओ का उदाहरण दिखाया, पवन को प्लस अन ओ के स्थान पर अवादेश, भवन भो के स्थान पर अवादेश। अब आपको हम ले चलते हैं इस तरह, ए और गायक है, गायक सिंधु से वो ऐसे ही बनेगा गायक। अब इसमें ऐसा संधि विच्छेद करिए कि आपको आय जरूर दिखाई पड़े। देखिए जब यहां ऐसे दिखाई पड़ेंगे तो आय के स्थान पर क्या होगा? यहाँ आय दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आय अधिक मात्रा है, हम ऐसा संधि विच्छेद करें आय आय तो गय के स्थान पर क्या आ जाएगा? गय प्लस अकर। आपने मैक्सिमम देखा कि जैसे भावनम था वो प्लस अन, पावनम था वो प्लस अन, अ की मात्रा जरूर लगा रहता है इस तरह, ठीक, यहाँ पर भी अ की मात्रा लगने से ये होता है कि आगे जैसे अ की मात्रा लगेगा मैक्सिमम देखिए या जो मात्रा लगेगा तो इसमें आ जाएगा, इसका हालत खत्म कर देगा, हालत खत्म कर देगा तब यहाँ पर मूल रूप हो पाएगा। अगर हालत खत्म नहीं होगा तब कहीं वो आधे पर ही लटक न जाए। क्लियर बात? अब इसमें एच ओ अयावा लगाइए, देखिए तोड़ दीजिए हल्का सा, ग प्लस आय प्लस अक। क्लियर? अब देखिए आय है, आय इसमें परिवर्तित हो रहा है आय में, ग प्लस आय प्लस अकर गायक होगा। अब देखिए यहां से देखिए हल्का सा, ग था ही इसके साथ चला क्या बन गया? ग हालत था आगे हुई है, क्या बन गया? गायक। तो क्या बना यहां? गायक। इसी बेस पर हमें लगता है कि परिभाषा की जरूरत नहीं है, एक के स्थान पर आया देश हो गया। अब इसी बेस पर आप एक और बनाइए, पावका कमाइए, पावक बेस वही होगा, नियम वही होंगे, सिर्फ शब्द हल्के से बदलेंगे। पावका बनाइए, पावका, पावका क्या होगा? जैसे गायक का था हूबहू वैसे पावका का होगा। एक मिनट के अंदर आप बताइए, वहां पता हुआ है, नकल आप करना कर सकते हैं। देखिए यहां आप सिर्फ नियम जानिए, बस नियम जानते रहेंगे तो दिक्कत, रटने का काम नहीं करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे।
इसलिए हम आपको एक बेसिक से बेसिक चीज समझा रहे हैं। गाय का है, पाव का है, बेस वही होगा, सिर्फ बदला क्या है, यहाँ पर ग है और यहाँ पर प है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो मैं लगता है आप लोग बना लिए होंगे, चलिए हम भी बनाते हैं आपके साथ। ओ प्लस अक, तोड़ दीजिए, ओ प्लस, ओ प्लस अब ओ के स्थान देखिए, ओ के स्थान क्या होगा, यहां पर क्या था, यहां अरे यहां पर बात की है, अब देखिए तो पाव यहां होगा, पाव प्लस अकार, जब यहां पाव होगा ओ के स्थान पर क्या होगा, पाव प्लस आव, ओ के स्थान पर आव प्लस अकार। अब जोड़ दीजिए, ये इसके साथ हो गया पा, इसके साथ चला बन गया वो, तो बना क्या पाव का, बात समझ आई। चलिए इसी पर चलते हैं हम, दायक है, चलिए आप बताइए इस बेस पर है दायक, देखिए ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहां पर यह है, सिंपल सा यह है, तो मान चलिए उसमें एक ही मात्रा है, अगर आगे आ है तब ये होगा। अगर जिसे भाई आपने देखा पवन था, सिंपल हुआ था, बीस में हुआ है, यानी क्या होगा ये वाला, तो पा के स्थान पर क्या होगा, वह है जो आपको होगा आगे आ रहेगा एक उधर, ठीक। इसी साथ में क्या समझा रहे हैं, भवन है संरचित कैसे करेंगे, सिर्फ यहां हुआ है, यहां सिंपल हुआ है, क्या होगा भू प्लस अन, यानी अगर यह है तो एक ही मात्रा होगा, अगर वह है तो ओ की मात्रा होगा, आगे अगर आ के साथ यह है तब अ की मात्रा होगा, अगर आगे आ के साथ वह रहेगा तो औ की मात्रा होगा। जैसे दायक है, सिंपल सा चीज है, आगे आ की मात्रा है तो यहां पर को नहीं होगा, औ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा द प्लस, बात समझ में आई। आज के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आयात समझ में कोई दिक्कत आएगी। चलिए द प्लस आई प्लस अकर, एक स्थान पर आया द प्लस आय प्लस अकर, जब आप जोड़ देंगे तो ये इसके साथ चला जाए क्या बन जाएगा द, ये इसके साथ क्या बन गया दाय, बात समझ में आई। अब हम आपको ले चलते हैं उदाहरण की तरफ, सारे उदाहरण लगता हो गया, ठीक, लगभग लगभग लगते हैं आपको सारे उदाहरण हो गए हैं।
चलिए सैनम, सैनम का संघ विच्छेद करिए। अब देखिए यहां इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं होगा, जब कोई मात्रा नहीं होगा तब मान चलिए यहां पर क्या होगा, अगर यह है तो आय की मात्रा से प्लस अनंत, यही है सैनम। बात समझ में आई? चलिए गायक ही है, गायक संधि विच्छेद के लिए देखिए हमने आपको ट्रिक बताया, आ की मात्रा के साथ यह है तो ये क्या होगा, यानी आय वाला होगा, तो गय क्या होगा, गय प्लस अत। यदि आपको उच्चर की याद करनी है गय प्लस अत, उत्तर की याद करें देखिए ग प्लस आय प्लस अत, एक स्थान पर आया देश ग प्लस आय प्लस अत, ठीक ये इसके साथ बन गया ग, ये इसके साथ बना के ये क्या बन गया। अब हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए संधि विच्छेद करने में, कोई दिक्कत, जब संधि विच्छेद हो जाएगा तो संधि आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से हमें याद नहीं लगता है आपको समझ में आया जाएगा। अब चलते हैं देखिए गायका हो गया, नायका देख लीजिए, नायका अब भाई नायका का संधि विच्छेद क्या होगा, नायका नायका, अब आप जल्दी से बताइए नायका का क्या होगा संधि विच्छेद, तुरंत मिनटों में समय नहीं लगना चाहिए। नायका देखिए आय मात्रा है यानी क्या होगा, ये होगा न प्लस अकर, आ जरूर रहेगा, आ नहीं रहेगा तो काम ही नहीं बनेगा, रेयर केस में जब इस साइड से एक रहता है तभी। अब चलिए नायका बन गया, नेक्स्ट हम आपको बोलते हैं बिसड़वे, बिसड़वे थोड़ा सा कठिन नहीं है, दिमाग का खेल है बस, आप बिसड़वे का बताइए क्या होगा संधि विच्छेद, बिसड़वे बिसड़ो प्लस ए, बिसड़ो प्लस ए कैसे होगा देखिए, ओ के स्थान और ले आ दीजिए बिसड़ो प्लस ओ प्लस ए बिसड़ प्लस अव प्लस ए, ठीक ये इसके साथ चला गया क्या बन गया मिश्रण हुआ था ही, ये इसके साथ चला गया मिश्रण बन गया नहीं मिश्रण। चलिए नाविक, नाविक का संधि विच्छेद के लिए बहुत ही सरल है, नाविक अब सोच रहे हैं इसमें कहा से क्या चलाया, तो मात्रा बन जाए नाविक है, नौ प्लस वह है आ की मात्रा है, इसमें बन जाए कि कहा से आया, तब यहां आ नहीं आएगा, जब यहां पर कोई स्वर नहीं होगा इस चीज के बीच में तब आएगा, तो नौ प्लस एक नाविक देखिए ओ के स्थान पर आव आदेश डायरेक्ट चलते हैं, ओ के स्थान पर आव आदेश प्लस इक जोड़ दीजिए इसके साथ ना इक मात्रा था वह ये भी मात्रा जाती क्या बन गया नाग, ठीक तो इस तरह से हमें लगता है कि आप आराम से भावुक, भावुक भाव प्लस उक आ की मात्रा, भावुक है ना आग साथ है
देखिए भाव प्लस। अब आप सोच रहे हैं कि इसको बना दे अंतिम है भाव प्लस आव प्लस फुट, ये इसकी क्या भाव हुआ था या उनकी मात्रा था भाव। आपने देखा है कि अयाज कितनी आसान है, कितना आसान है, और आज में लगता है कि आप लोग आसानी से समझ में गए होंगे अयाज समय। आप कुछ मत करिए, हम आपके साथ 80% मेहनत कर 90% मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ 10% मेहनत करिए। आप व्याकरण का कोई भी किताब उठा लीजिए और देखिए क्या वास्तव में अयाज शब्द ऐसे ऐसे हैं, आपको किताब में दो चार उदाहरण हो रहे हैं, इसी बेस पर सब आप अध्ययन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा अयाज शब्द आप भूलेंगे नहीं, चाहे संधि करना हो, चाहे संधि विच्छेद हो, चाहे पूछे किस्म किस्म में अयाज संधि है, आप एक मिनट भी टाइम लेंगे तुरंत बता देंगे। तो एक बार फिर आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं, एक बार फिर आपको जाते जाते हम आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और कौन से गुड़ संधि या वृद्ध संधि लेकर, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।